हेलो गाइस गाइस, बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया जिसमें एओ की वैकेंसी आई है। और आज हम इस वीडियो में एओ की वैकेंसीज के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। जो इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा एओ की वैकेंसीज का जो एग्जाम पैटर्न सिलेबस और जो भी जरूरी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस की है वही यहाँ पे डिस्कस की जाएगी। और गाइज यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा ने बहुत कुछ चेंजेस भी दिए हुए हैं, वो भी यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस हो सकता है वो यहाँ पे टू टाइप से हो सकता है, दोनों टाइप को यहाँ पे अच्छे से आपको समझा दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो सबसे पहले जो मोड ऑफ सिलेक्शन है वो फर्स्ट टाइप के बारे में बात करूंगा, टाइप फर्स्ट आपका क्या होगा। और टाइप फर्स्ट में डिपेंड करता है लेस नंबर ऑफ कैंडिडेट, यानी कैंडिडेट कितने कम है। अगर इनकी एक्सेप्टेशन से अकॉर्डिंग कैंडिडेट यहाँ पे कम रहे, यानी कैंडिडेट सीबीटी में भी कम पास हुए, तो यहाँ पे आपका जीडी भी हो सकता है। और जीडी अगर आपने नोटिफिकेशन पढ़ा है, जीडी और पीआई के बीच यहाँ पे और लिखा है, ठीक है, पर्सनल इंटरव्यू। तो पहले आपका सीबीटी होगा, यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका जीडी होगा। टाइप वन की बात कर रहा हूं, अगर जीडी नहीं हुआ तो यहाँ पे पीआई होगा। डिपेंड करेगा लेस नंबर ऑफ कैंडिडेट यानी एप्लीकेंट कितने हैं, अगर कम है तो ये प्रोसेस टाइप वन होगा। अब यहाँ पे टाइप टू की बात करेंगे गाइस। टाइप टू आपका सीबीटी तो होगा ही होगा आपका, ये तो कॉमन है, और मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो सीबीटी के बेस पर ही बनेगी, ठीक है। और सीबीटी के बाद आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी हो सकता है जो कि यहाँ पे इंग्लिश का होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे साइकोमेट्रिक टेस्ट भी हो सकता है, और उसके बाद आपका जीडी भी हो सकता है, उसके बाद आपका इंटरव्यू भी हो सकता है। ये आपका टाइप टू है, ठीक है, यहाँ पे टाइप टू है। और टाइप टू कैसे डिपेंड करेगा, टाइप टू जब डिपेंड करेगा कि अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट यानी लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट, ज्यादा कैंडिडेट अगर हुए और गाइज उनकी एक्सेप्टेशन से भी ज्यादा कैंडिडेट हुए तो यहाँ पे टाइप टू ये फॉलो करेंगे। बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है और बताया गया है टाइप टू आपका कैसे होगा अगर आपने नोटिफिकेशन पढ़ा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे टाइप टू जरूर होगा, तो आप सब रेडी रहो इन सब चीजों के लिए, ठीक है। अब बात करेंगे अब रिटन टेस्ट की गाइज। रिटन टेस्ट में 100 MCQ क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन के चार ऑप्शन होंगे, जो भी आपको सही लगता है आप उस पर टिक कर सकते हो, लेकिन आप एक क्वेश्चन के दो ऑप्शन सेलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। 90 मिनट आपको पूरा करने के लिए मिलेगी, और क्वेश्चन पेपर आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में होगा, एक तरफ इंग्लिश होगी एक तरफ हिंदी होगी, जो भी लैंग्वेज में आपको समझ में आता है आप उसमें अपना एग्जाम पेपर दे सकते हो। लेकिन यहाँ पे कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन है जो कि आपके इंग्लिश लैंग्वेज में ही होंगे, वो यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज में नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पे जो सिलेबस है वो चार पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला पार्ट है यहाँ पे रीजनिंग का, जिसमें 30 नंबर की आएगी, और इंग्लिश का पार्ट है 30 नंबर का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पार्ट है 30 नंबर का। गाइज यहाँ पे सोचने वाली बात है, 30 और 30, 60 नंबर का सिलेबस तो यहाँ पे आप इजी कवर कर लोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दोनों मैथ को रिलेट करते हैं और मैथ से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे। और आपको यहाँ पे मेरिट लिस्ट में सबसे ज्यादा हेल्प मिलेगी इन 60 नंबर को, क्योंकि इनको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे बिना पढ़े पास कर लोगे। सिर्फ आप वीडियो देख लो यूट्यूब पर, जितनी आपसे देखी जाए और समझ लो, क्योंकि ये फार्मूले एंड तर्क सहित निकलते, तो ये इजी है आपके लिए, नो डाउट आप कर लोगे, ठीक है। जीके 20 नंबर की है, जीके को थोड़ा कम टाइम दो, क्योंकि एक तो ये 20 नंबर की है, और गाइस जीके 5 साल पहले पूछ ले या 2 साल पहले पूछ ले, जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है हीरो को जीरो बना देगा, जीरो को हीरो बना देगा। और जीके सिर्फ 1 साल की अगर आप पढ़ना चाहते हो तो प्रीवियस 1 साल की आप यहाँ पे उठा के देख लेना तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम में क्वालिफाइंग नंबर भी रखे हैं, जनरल वालों को 40% नंबर लेके आने हैं और अदर कैटेगरी वालों को यहाँ पे 35%, यानी जनरल को छोड़ के जो सभी कैटेगरी बचती है उनको 35% नंबर लेके आने हैं। एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, 0.25%, यानी 4 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो तो यहाँ पे 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा, यानी 1 क्वेश्चन आपका हटा दिया जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पे जीडी और पीआई की, यानी ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू के बारे में, इसमें भी क्वालिफाइंग नंबर रखे गए। हालांकि ये दोनों क्वालिफाइंग नेचर का सब्जेक्ट है तो आपको क्वालिफाइंग करने हैं, लेकिन जैसे मैंने ऊपर बताया लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट हुए तो कट ऑफ इसमें भी लगेगी भाई। जनरल वालों को 60% नंबर लेके आने हैं, और गाइज यहाँ पे अदर कैटेगरी जो है उनको 55% नंबर लेके आने हैं, और जो मेरिट लिस्ट लगाएगा, जो कट ऑफ लगाएगा, वो सब बैंक ऑफ बड़ौदा अपने हिसाब से लगाएगा। ये रही पूरी डिटेल, फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट्स कर सकते हो। थैंक यू।